हेलो सेकेंड मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन प्रूव दैट एनर्जी एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एवरी सब्सटेंस हैज एनर्जी ड्यू टू इट्स मास आल्सो आइंस्टाइन साहब ने ये प्रूव किया था कि एनर्जी और मास जो है एक दूसरे से संबंधित हैं और एवरी सब्सटेंस एनर्जी ड्यू टू इट्स मास आल्सो पहले अलग-अलग था मास को अलग लेते थे एनर्जी अलग लेते थे लेकिन आइंस्टाइन साहब ने प्रूव किया कि नहीं दोनों एक ही चीज है दोनों एक ही चीज है इफ ए सब्सटेंस लूजेज एन अमाउंट डेल्टा एम ऑफ इट्स मास एन इक्विवेलेंट अमाउंट डेल्टा ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अगर कोई सब्सटेंस डेल्टा एम मास खो देता है लूज करता है तो डेल्टा ई एनर्जी प्रकट होती है वो तो डेल्टा इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर जहां सी है स्पीड ऑफ लाइट दिस इज कार्ड आइंस्टाइंस एनर्जी मास रिलेशन जी हाँ डेल्टा इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यही है आइंस्टाइंस एनर्जी मास रिलेशन अगर मैं इफ बी गिव डेल्टा ई एनर्जी टू सम मैटर किसी मैटर को मैं डेल्टा एनर्जी e दू देन इट्स मास बिल इनक्रीज बाई डेल्टा एम तो इसका मास बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा डेल्टा एम इज डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर लेकिन याद रहे सी इज थ्री इं टेन टू द पावर एट इसलिए मास में जो इंक्रीज होगा बहुत बहुत कम होगा उसको नहीं नाप सकते हैं बढ़ेगा ये तो पक्का है बट दिस इंक्रीज इज वेरी वेरी स्मॉल सो इन व्यू ऑफ एनर्जी मास रिलेशन द लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन आर नो मोर इंडिपेंडेंट लॉस तो ये एनर्जी कंजर्वेशन ला पहले होता था मास कंजर्वेशन ला होता था तो अब ये दोनों एक ही हैं अलग अलग नहीं हैं यही है मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन साहब का एक बार फिर से पहले मास कंजर्वेशन ला अलग होता था एनर्जी कंजर्वेशन ला अलग होता था लेकिन आइंस्टाइन की इस रिलेशन के बाद ये बात सत्य हुई कि बोथ आर नो मोर इंडिपेंडेंट लॉस अब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटे छोटे मासेज एटम्स के न्यूक्लियस के नापने के लिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम जिसका नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट सिंबल हम देते हैं यू बीइंग टू स्मॉल द मासेज ऑफ एटम्स न्यूक्लियाई एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एट्सट्रा दे आर एक्सप्रेस इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू क्योंकि <coughs> मास बहुत छोटे हैं एटम न्यूक्लियाई फंडामेंटल पार्टिकल्स के तो इनको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू में शो करते हैं वन यू इज डिफाइंड एज वन ट्वेल्थ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम वन यू ये डेफिनेशन है वन यू इज डिफाइंड एज एक बटे बारह ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम हम जानते हैं सिंस वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व हैज एन एटम्स एंड ए मास ऑफ ट्वेल्व ग्राम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व क्या होगा ट्वेल्व अपॉन एन ग्राम तो इसलिए डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे वन यूज यू टू वन अपॉइंट ट्वेल्व ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ट्वेल्व वन एटम का मास आया है ट्वेल्व अपॉइन एन कैंसिल हुआ तो वन अपॉइंट कैपिटल एन ग्राम तो वन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एबोगडो नंबर की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री इसको सॉल्व किया तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव इन टेन टू माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम तो ये जो यू है ये जो यूनिट है यू इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया चीज वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी किलोग्राम नाउ तो मैंने इस यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है ये न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा नाउ एनर्जी इक्वेलेंट टू वन यूनिट इसके अगर एक यूनिट मास खर्च हो जाए एक यूनिट मास लूज हो जाए डिस हो जाए तो कुल कितनी एनर्जी पैदा होगी तो यहाँ देखिए हमने निकाला है कि एनर्जी अगर डेल्टा तो ई है तो ये होगा डेल्टा एम इन सी स्क्वायर और वन यूनिट में इतने किलोग्रामी ऑफ लाइट लिखी नाइन पावर सिक्सटीन सी स्क्वायर है तो ये डेल्टा ई आया वन पॉइंट फोर नाइन टू फोर इन पावर माइनस टेन जूल जूल में इतनी एनर्जी प्रकट होगी इसको हमने डिवाइड किया इससे तो ये मिला नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी एक यूनिट एक यूनिट अगर मास ध्यान दीजिए यूनिफाइड अगर एक यूनिट मास खर्च होगा तो कितनी एनर्जी इक्वैलेंट इक्वल नहीं है इक्वैलेंट एनर्जी कितनी निकलेगी नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी नुमेरकल में इस्तेमाल होती है इसीलिए मैंने यहाँ पर यूनिट का जिक्र किया है एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का और एक यू, इस यूनिफाइड मास से कुल कितनी एनर्जी पैदा होगी